नमस्कार दोस्त, एके इलेक्ट्रिक ज्ञान यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ग्राइंडर मिक्सर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल घंटी दिया है उस पर जाकर टच कर ले और नोटिफिकेशन पर जाकर ओके कर ले। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि एक ग्राइंडर मिक्सर बजाज कंपनी का है। रोटरी स्विच घुमाने पर भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी पोल पर काम करना चाहिए था। दोस्तों, ये देख रहे हैं रोटरी स्विच है और ये बजाज कंपनी का है। ये मेरे दुकान पर आया हुआ है और इसे हम आपको विधिवत बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये सीरीज बोर्ड देख रहे हैं, ये सीरीज बोर्ड में ही पहले चेक करेंगे। वायर भी ख़राब हो जाता है, मेन लीड जो है ये वाला, और इस तरह से सीरीज बोर्ड में लगा लिए। लगाने के बावजूद भी ये काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, देख रहे हैं घुमाने के बाद में कोई भी पोल पर काम करना चाहिए था। और ये स्विच जो पुश बटन है, रिसेट है, वो दामने पर भी काम नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे कि मेन लीड को सीरीज बोर्ड से बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद बैक साइड में जो कोवर है, इस पहले कोवर को खोल लेंगे। खोलने के बाद मेन लीड को चेक करेंगे हम। सीरीज में लगा लिए हैं, सीरीज में लगाकर फिर से ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। और सीरीज में लगाने के बाद में भी काम नहीं कर रहा है। वायर को अच्छी तरह से कर लेते हैं ताकि वीडियो आपको अच्छा सा दिखे। मेन लीड को ये जो देख रहे हैं ग्रीन वायर, जो इस सीरीज वायर बनाए हैं हम, और जल रहा है। क्या करेंगे, पहले मेन लीड को सप्लाई चेक करेंगे और इस पर नहीं आ रहा है, ये वाला से चेक कर रहे हैं। एक पोल पर बता रहा है और एक पोल पर इस पर बता रहा है, दूसरा पोल पर नहीं बता रहा है। इसका मतलब है कि दोस्तों, ये जो रिसेट स्विच लगाया हुआ है, ये स्विच ख़राब है। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास मौजूद है तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले वाला जो स्विच है 2.2 एम्पियर का है और ये 2.5 एम्पियर का ये स्विच है, उसके बदले में डाल सकते हैं। और इस तरह से पहले पैक वाला जो कोवर है, इसमें पहले कस लें। कसने के बाद ये दोनों लीड निकाल कर इसमें कोई भी पोल पर लगा सकते हैं। इस तरह से लगा लिए। लगाने के बाद फिर सीरीज ले चेक करते हैं, ये दोनों पर बता रहा है दोस्तों। इसका मतलब कि ये स्विच ख़राब था। मेरा मिक्सर ग्राइंडर जो है, मिक्सर ग्राइंडर बोले या ग्राइंडर मिक्सर बोले, एक ही बात है। और चेक कर लिए, मेन लीड को सीरीज में लगाकर थोड़ा चेक कर लेते हैं, काम कर रहा है दोस्तों। अब इसको निकाल कर हम पैरेलल में लगाकर चेक करेंगे। दोस्तों, ये पैरेलल बोर्ड है, मेन बोर्ड, इसमें लगा लिए। लगाने के बाद दोस्तों चेक करें, दोस्तों ये चालू हो गया। छोटा छोटा प्रॉब्लम आप घर पर ठीक कर सकते हैं वीडियो के मुताबिक, मेरे यूट्यूब के मुताबिक। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसा छोटा छोटा प्रॉब्लम आप घर पर सॉल्व कर सकते हैं। और ये मेरा वीडियो जो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट भी करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं।